तो आज का वीडियो क्या होने वाला है आपको तो पता चल गया होगा थंबनेल देख के और टाइटल देख के। ठीक है, तो चले जान लेते हैं आखिर मतलब किस तरह से क्या होने वाला है। ठीक है, एक्चुअली काफ़ी लोगों का डाउट होता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन जो है ना, मोबाइल फ़ोन को लेकर काफ़ी लोगों का डाउट होता है, मोबाइल फ़ोन और चार्जिंग को लेकर। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको पूरा डाउट आपको क्लियर करने वाला हूँ, किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से लाइक कर देना। ठीक है, तो जैसे कि देखो मेरे पास है क्या है, वीवो का फोन। ठीक है, तो इस जगह पे है आपका एमआई का चार्जर, जैसे कि आप देख सकते हैं एमआई का चार्जर, तो डाटा केबल भी मतलब एमआई का है। तो इससे मैं अगर चार्ज करता तो मेरा बैटरी जो है ना, मोबाइल का जो बैटरी जो है ना, इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा या नहीं होगा। तो एक्चुअली क्या है दोस्तों, ये भी ब्रांडेड है, ये भी ब्रांडेड है, तो दोनों ही माल एकदम ब्रांडेड है। तो मतलब इससे अगर आप चार्ज करता है तो आपका इस मोबाइल फ़ोन पे किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, वो कोई बंदा लोग होता ना कि बोलता है मतलब रात को अगर फुल नाइट अगर चार्ज में बैठा था तो इसका बैटरी मतलब प्रॉब्लम होगा, तो ऐसा में मतलब कुछ भी नहीं होगा यार, आपका बैटरी मतलब सेफ रहेगा। ठीक है, तो मतलब ये ब्रांडेड है, ये कोई मतलब चाइनीस या दो नंबरी माल नहीं है जो आपको बाजार से मतलब 20 रुपये या 50 रुपये से आप खरीद लिया उसे इस्तेमाल कर रहा, तो वो माल नहीं है, आपका रियल ओरिजिनल माल है, ये भी ब्रांडेड है, ये भी ब्रांडेड है। तो इससे अगर चार्ज करता है तो इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। साथ ही साथ अगर मैं इस वायर को मतलब इस डाटा केबल को मैं खोल कर रख देता तो मैं इस जगह पे अगर जो कि चाइनीज वाला जो 50 रुपये 60 रुपये में डाटा केबल मिलता उससे मैं अगर यूज़ करता तो अब मैं अगर चार्ज करता तो इससे कुछ प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा। तो ऐसा में क्या है कि इससे प्रॉब्लम हो सकता है आपका मोबाइल फ़ोन पे। अभी मतलब क्या है कि मतलब पहले का टाइम में आप सुनने को मिलता था कि मोबाइल ब्लास्ट होता है, ये होता वो होता, तो चार्जर का कारण से मतलब इतना एडवांस नहीं था, जैसे कि कोई भी मोबाइल कंपनी इतना एडवांस नहीं था, एडवांस ना होने के कारण से आपका मोबाइल ब्लास्ट होता था। पर अभी इतना एडवांस हो चुका है कि आपका मोबाइल अगर ऑन लाइट या एक महीना अगर लगातार अगर आप चार्ज में बैठा के रहेगा ना, फिर भी आपका चार्जर पे भी आपका कोई डिफेक्ट नहीं निकलेगा और साथ ही आपका बैटरी पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर दो नंबरी माल अगर जैसे कि मतलब चाइनीज माल अगर 50 रुपये 60 रुपये से बाजार से ले लिया उससे अगर अब चार्ज करता तो आपका बैटरी पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसा अगर ना ब्रांडेड माल का अगर यूज़ करता जैसे कि एमआई का वीवो का, ठीक है, तो ये दोनों माल अगर यूज़ करता है एक साथ में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें मतलब पूरा आपको मतलब लोग जो बनाता ना सामान एक ब्रांडेड उसमें मतलब काफ़ी ध्यान देता है उन लोग। ठीक है, तो अगर आप मार्केट से जैसे कोई चाइनीज माल वगैरह खरीदता है तो उसमें मतलब किसी भी तरह मतलब तैयार करना है। ठीक है, अगर आप खरीद के लेके आता ना, लेके आने के बाद में भी अगर एक बार अगर चार्ज में ढाल देता तो आपका चार्जर ख़राब हो जाता या मोबाइल ख़राब हो जाता, तो ऐसा ही होता अगर जो आपको बिना कंपनी वाला है मतलब जो चाइनीज माल जो है उसका यही प्रॉब्लम होता है, और जो ब्रांडेड माल जो है ना उससे मतलब आपका दिक्कत नहीं होने वाला है। तो समझ में आ गया होगा इसका क्या है प्रोसेस। जैसे कि हम अगर मोबाइल खरीदता है, मोबाइल खरीदने के साथ ही साथ हमारे साथ एक चार्जर और डाटा केबल फ्री में दे देता तो वो मोबाइल के साथ में एकदम पूरा फिक्स रहता है, जो कि मतलब काफ़ी अच्छा चार्ज आपको देता है। ठीक है, तो क्योंकि वो रियल है यार, वो ओरिजिनल है, वो ब्रांडेड है, इसलिए आपका मोबाइल पर बहुत ही जल्दी काम करता है यार। आपको मोबाइल में किसी भी तरह का ना ही मोबाइल का पिन ख़राब होता है, ना ही चार्जर ख़राब होता है इतना जल्दी। अगर आप जैसे मार्केट में 50 रुपये 60 रुपये से ले लेता तो वो मतलब एक दिन भी चल सकता, दो दिन भी चल सकता। तो ऐसे में आपका मोबाइल अगर 10 हज़ार का मोबाइल है, 50 रुपये का आपका डाटा केबल है या चार्जर है, तो उसका कारण से आपका 10 हज़ार का मोबाइल ख़राब होने का चांस रहता है। तो उम्मीद है दोस्त आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मतलब क्या है कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन अगर अलग अलग चार्जर से चार्ज करने से क्या होता नहीं होता आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया, पर दोस्त आपको वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में घंटी वाला बटन को जरूर दबा देना। अगर कुछ भी पूछना है ना तो कमेंट सेक्शन में आओ, कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करो, कमेंट करने के बाद में सारा कुछ बता दो यार, मैं जितना हो सकता ना उतना सारा कुछ आपको डाउट क्लियर करने वाला हूँ और कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसा मतलब सोचो मत ज़्यादा, ठीक है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर डालो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।